श्रीकाल जी दोस्तों दोस्तों एक बार फिर तुहाडे रूबरू होए हैं एक नवी वीडियो दे नाल। अज तुहानू आपां दर्शन करवावांगे गुरद्वारा तित्तरसर नेड़े मौड़ मंडी। ये गुरद्वारा साहब पातशाही नौवीं और पातशाही दसवीं चरण छोह प्राप्त गुरद्वारा साहब है और काफ़ी इतिहास पुराना इतिहास है गुरद्वारा साहब का। यह गुरद्वारा साहब तुहानू दस देना दोस्तों बठिंडे तो तकरीबन 33 किलोमीटर दूर और मौड़ मंडी तो 7 किलोमीटर दूर बठिंडा मानसा रोड तो तकरीबन 500 मीटर दूरी पर स्थित है। इतिहासकारां दे अनुसार इस जगह के उपर नौवें पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब जी इत्थे आए सीगे जी। वो तुसी सामने जो सरोवर साहब देख रहे हो इस जगह पर आए सीगे गुरु साहब जी ने दे कोल। जिस टाइम गुरु साहब जी इत्थे आए उन्होंने कोल एक तित्तर आया जोड़ा कि अख तो एक अख तो काणा सीगा ते मन्या जांदा कि वह किसी टाइम कोई राजा सीगा ते वह एक अख तो काणा सीगा ते उहनूं शराप मिलिया सीगा। शराप मिलने के कारण वह एक तित्तर की जूनी में आया होया सीगा ते उह तित्तर ने आगे गुरु तेग बहादुर जी साहब अगे मतलब बेनती की कि इस जूनी तो मुक्त कराया जाए। पर गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उन्होंने ये कहा सीगा कि असली जो असी दसवें जामे के आवेंगे असी उस टाइम तुहाडा उधार करांगे। उस तो बाद जी जदों गुरु साहब जी खदराने की ढाब मुकसर लड़ाई लड़न तो बाद जो गुरु गोबिंद सिंह जी तलवंडी साहब पहुँचे तो उत्थे 9 महीने 9 दिन रुकन तो बाद गुरु साहब जी एक दिन शिकार खेडते खेडते इतों तलवंडी साहब तकरीबन 15 तो 20 किलोमीटर दूरी से स्थित है जी। तो गुरु साहब जी उत्थों इस जगह पर चल के आए जिमें उस तित्तर का उधार करने वास्ते गुरु साहब जी के रौचक उन्ना ही गुरु साहब जी जानते हैं। गुरु साहब जी इत्थे आए तो गुरु साहब जी ने इत्थे आके उस तित्तर का शिकार किया। जदों शिकार करन तो बाद गुरु साहब जी के नाल सिंघां ने पूछा भी गुरु साहब जी तुसीं तां शेरां का शिकार जां उन्हां दा शिकार करते सीगे अज तुसीं इक तित्तर का शिकार क्यों किया। फिर गुरु साहब जी जानी जान सीगे तो उन्होंने अपने नाल जिहड़े सिंघ साहिबान आए सीगे उन्होंने ये गल आखी भी तुसीं उस तित्तर नूं जाके लैके आओ तो यही देखो भी वह एक अख तो काणा है। उस तो बाद जदों गुरु जी के नाल जो सिंह सीगे उस तित्तर नूं लैके आंदा तो देखा कि वह तित्तर अख एक अख तो काणा सीगा तो गुरु साहब जी मुस्कुरा पए तो फिर सिंघां ने नाल दे ने पुछया गुरु साहब जी भी ये की रोचक है। फिर गुरु साहब जी ने पूरा उस सिंघां नूं दस्सिया कि ये भी एक एक राजा सीगा इसनूं शराप मिलिया होया सीगा ते एक तित्तर दी जुन्नी विच पिया होया सीगा ते इस दी मुक्ति दे लई असीं इस जगह दे उपर आए हांगे ते इसी जगह ते उस तित्तर दी जदों मुक्ति कीती ते उसदा 84 लाख जूनां दीआं कट्टियां गुरु साहिब जी ने उस तित्तर दे नां ते इस जगह दा नाम सामणे तुसीं देख सकदे हो गुरद्वारा साहिब बणिया होया। इस गुरद्वारा साहिब दा नाम तित्तरसर पिया है ते इत्थे हर मस्सिआं नूं संगतां दा बहुत भारी इकट्ठ हुंदा है। ते चलो हुण दोस्तों फिर तुहानूं आपां कराउणा दरबार साहिब दे दर्शन ते गुरद्वारा साहिब दे दर्शन ते बहुत वधिया इत्थे लंगर हाल बणिआ होइआ है। चलो आए दोस्तों
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਤਦ ਤੱਕ ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ।